हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आठवें चैप्टर जो स्टार्ट हो चुका है, इसका दूसरा वीडियो है। और इस दूसरे वीडियो में हमने पहले वीडियो में आपको बताया था उपसह संयोजन यौगिकों का बेसिक। अब उसके बाद में अब हम इसका बताएंगे, उपसह संयोजन यौगिक में हमने आपको बता दिए थे द्विकलबड़ और संकुल यौगिक कैसे इनको अलग किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं पहले वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हम आपको बता देते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे चैनल पर कि आपको उत्कृष्ट बनाया जाएगा, मतलब है आपको एक बेहतरीन इंसान बनाया जाएगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी वीडियो और हर सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी में बहुत अच्छी से हो जाए, तैयारी में चार चांद लग जाएँ। तो तैयारी जब अच्छे से होगी, क्योंकि जब आप भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स देंगे और हम और मेहनत के साथ में वीडियो बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण, नॉमन क्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उपसह संयोजन यौगिक हमने सीख लिए थे पिछले वीडियो में। जो स्टूडेंट अभी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाएँ और पहले वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। तो उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण करना, उससे पहले कुछ नियम होंगे, क्योंकि बिना नियम के कोई भी काम कर नहीं सकते। रूल के बिना कोई काम नहीं करेंगे तो रूल से भटक जाएंगे और आप उस जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं वो रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। तो आपको आज ही सीखना है, आपके माइंड में ये बात बैठ जानी है। इस वीडियो के माध्यम से आप सीख लेंगे और भविष्य में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण करने में कोई भी परेशानी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका पॉइंट हम सीखेंगे लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंड को एक रूप से लंगड़ भी बोल सकते हैं कि जो आसपास से सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। उनका नामकरण हमें करना है, पहले लिगेंडों का नामकरण जान लेते हैं। तो लिगेंडों का नामकरण में लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन लिगेंड हो सकते हैं आपके, जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ेंगे यानी केंद्रीय धातु आयन से सीधे इलेक्ट्रॉन को दान करके जुड़ते हैं, अपना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए क्योंकि उन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे अमोनिया है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसके पास एक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है केंद्रीय धातु आयन को। जैसे आयरन, ये केंद्रीय धातु आयन है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और अपने बीच में बना लेगा उपसह संयोजन बॉन्ड, या बोलेंगे उपसह संयोजक बंध बना लेगा। तो उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण करना है। अब लिगेंडों पर चर्चा करते हैं, लिगेंडों के बारे में सीखते हैं। ये आपका, ये जो पहला लिखा है ये हाइड्राइड होता है, इसमें उसके नाम के आगे डो लगा देते हैं। जितने भी ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उसके नाम के आगे या तो डो लगा होता है या टो लगा होता है। जैसे ये हाइड्राइड है इसको हाइड्राइडो बोला गया है, जैसे ये ऑक्साइड है इसको ऑक्साइडो बोला गया है। ये उपसह संयोजन यौगिकों में ही केवल मान्य होता है, बाकी अपना हाइड्राइड और ऑक्साइड परऑक्साइड वैसा ही रखेंगे। ये आपका परऑक्साइड है, यानी कि यहाँ तीन ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसे परऑक्साइडो कहते हैं। ये NH2 इमाइड होता है तो इसे इमीडो कहते हैं, NH2 एमीडो कहलाता है। यहाँ पर SCN थायोसाइनेटो कहलाता है, क्योंकि ये थायोसाइनेट है। NCS आइसो थायोसाइनेटो कहलाता है। NO2 को हम नाइट्राइट कहते हैं तो ये नाइट्रो कहलाता है। NON को हम नाइट्राइट कहते हैं तो ये नाइट्राइटो कहलाता है। HS को हम मरकैप्टो कहते हैं तो मरकैप्टन कहते हैं तो ये मरकैप्टो कहलाता है। ये नाम आपको सीखने होंगे कि इसमें उपसह संयोजन यौगिकों का जब नामकरण करेंगे तो इन्हीं नामों का यूज करेंगे, दूसरे नाम नहीं लेंगे। ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड का यूज नहीं करेंगे। तो आगे आ जाते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड को यहाँ हाइड्रोक्सो बोलते हैं, सल्फाइट को सल्फाइटो बोलते हैं, सल्फेट को सल्फेटो कहते हैं, NO2 को नाइट्रेटो कहते हैं। H2O3 पर जो माइनस का चार्ज लिखा है इसे बोलते हैं थायोसल्फेटो। CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन यहाँ कार्बोनेटो बोला जाएगा।
और सी एन को साइनो कहते कहेंगे, एन सी ओ को आइसोसाइनेटो कहेंगे, सी एन ओ को बोलेंगे साइनेटो। ये लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्जिलेट, इसका मतलब है ये लिखा है सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इससे ये निकल गए दो हाइड्रोजन, तो इसको सी टू ओ फोर लिखा गया। देखिए दो ऑक्सीजन ये, दो ये, चार दो कार्बन, और इस पर दो आ जाएंगे ऋण के, तो ये ऑक्जिलेटो हो गया, ऑक्जिलेटो हो गया, और इसे हम ऑक्जिलेट ऑक्जिलेट हो जाता है, ऑक्जिलेटो बोलते हैं। फ्लोराइड आयन होता तो उसे फ्लोरिडो या सॉरी फ्लोरो बोलेंगे, फ्लोरिडो को हम फ्लोरो भी बोल सकते हैं और फ्लोरिडो भी लिख सकते हैं। क्लोराइड होता है उसको हम क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रोमाइड को हम ब्रोमिडो भी लिख सकते हैं, ब्रोमो भी लिख सकते हैं। आयोडाइडो को हम आयोडो भी लिख सकते हैं और आयोडाइडो भी लिख सकते हैं। ये हो गई बात ऋणात्मक लिगेंडों की, इनके इन्हीं नामों से इनका नामकरण करेंगे जब संकुल यौगिक मिलेगा आपको कहीं पर, क्योंकि पिछले कई परीक्षाओं में, कई वर्ष की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनका नामकरण करने के लिए। आज हम ऐसा सीखेंगे कि कभी भी बिल्कुल इन बातों को दोबारा सीखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आगे चलते हैं, उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड के मतलब है ये वाटर, वाटर H2O होता है, हम जल कहते हैं लेकिन यहाँ पर एक्वा बोलेंगे। NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया होता है तो इसे हम एमीन बोलेंगे। NO को हम बोलते हैं नाइट्रो या नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर बोलेंगे नाइट्रोसिल, सिर्फ यहाँ पर, और लिखेंगे भी यही नाम। ये होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन उप सहसंयोजन यौगिकों में से कार्बोनिल बोलते हैं। CS थायोकार्बोनिल, ये दो बार लिखा गया यहाँ से यहाँ तक, NH CH2 NH2, सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। एथिलीन डाई एमीन, क्योंकि दो एमीन लगे हुए हैं, इसे हम शॉर्टकट EN से प्रदर्शित कर सकते हैं, और ऐसा आपको लिखा भी मिल जाता है। और सहसंयोजन यौगिकों में आप जाएं NCERT की बुक खोलें और उसमें आप ये देख सकते हैं। ये आपका ट्रिपल CH3 लगा हुआ है और नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो ट्राई मेथिल एमीन बोलेंगे। ये हो गए उदासीन लिगेंड जिनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? शून्य। अब आ जाते हैं उसके बाद में, ये H3O मतलब है कि वाटर में एक हाइड्रोजन आयन और ऐड हो गया तो बन गया हाइड्रोनियम। अमोनियम यानी कि अमोनिया में एक हाइड्रोजन आयन ऐड हो गया तो इसे बोलेंगे अमोनियम। NO प्लस यानी कि नाइट्रोसोनियम, NO2 यानी नाइट्रोनियम। ये हो गए आपके लिगेंडों का वर्गीकरण, और होते हैं आपको हमने पिछले वीडियो में बताया लिगेंडों का वर्गीकरण और लिगेंडों का नामकरण अब कर रहे हैं। तो लिगेंडों का वर्गीकरण बताया था तो हमने बताया था लिगेंड तीन चार प्रकार के हो सकते हैं, एक दंती, द्वि दंती, त्रिदंती और बहुदंती। तो लिगेंड जब द्वि दंती, एक दंती, बहुदंती होंगे तो इनका नामकरण करने के लिए कुछ शब्दों का यूज करेंगे, कुछ शब्द वो होंगे जो आपको हम अभी लिखकर बताते हैं। तो इनको रफ कर देते हैं और उसके बाद में बताते हैं एक द्वि दंती के लिए हमें क्या लगाना होगा। थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया इसीलिए रफ जल्दी से नहीं होता है। तो यदि आपको ये लिगेंड्स को याद करते हुए और इनको नोट कर ले, एक बात यह है कि कुछ देर हमें रुक जाना चाहिए था, फिर भी आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके इसको नोट कर लें अपने नोटबुक पर। नोट करेंगे तभी आप सीख जाएंगे, क्योंकि एक बार में सीखने के लिए कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। दोबारा जब आप सीखेंगे तो दोबारा भी आप वैसे ही सीखेंगे तो कमियां आपको लगेंगी कि हम पूरी तरीके से सीख चुके हैं, कमियां आपकी बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगी जो भी आप गलतियां करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में लिगेंडों का नामकरण करने में सबसे बड़ा रोल आ जाता है कि लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो लिगेंड ये लिखेंगे लिगेंडों के बारे में, ये हो गया। तो लिगेंड होते हैं आपके एक दंती लिगेंड, जिसे हम बोलते हैं एक दंतुक। उसके बाद में द्विदंती,
द्वि दंती को हम बोलेंगे द्वि द्विक या द्विक दंतुक, द्वि दंतुक बोलेंगे या द्वि दंतुक। फिर आ जाता है आपका त्रिदंती, त्रिदंती को आप बड़ी की मात्रा चढ़ा लें, दंती में हम बड़ी की मात्रा चढ़ाएंगे तभी आपका सही लिख जाएगा। दंती, दंती आप कर लें क्योंकि बड़ी की मात्रा लगेगी तो यहाँ पर दंती कर लें। एक दंती दुई दंत, एक दंती को एक दंतुक और दुई दंती को दुई दंतुक कहते हैं। क्या कचड़ा हो गया, दंतुक। तो ये बोलेंगे दुई दंतुक, इसे बोलेंगे दुई दंतुक, त्रिदंती को हम बोलेंगे त्रिदंतुक। ये दो दो नाम होते हैं, आपको कभी कभी दंतुक मिल जाएगा एग्जाम के समय तो आप कहेंगे हमें तो पढ़ाया ही नहीं सर ने, तो इस बात के लिए हम पहले से ही एग्री रहते हैं कि आपको हर शब्द का ज्ञान हो। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थ, चतुर्थ दंती, तो इसे बोलेंगे चतुर्थ दंतुक। और पंचदंती, इसे बोलेंगे हम पंच दंतुक। तो ये आपके हो गए लिगेंडों के प्रकार। इसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं, उनको हम लिखेंगे इस प्रकार से। एक दंती यानी के मोनोडाइंटल, जैसे अमोनिया है और साइनाइड हैं, जो ऋणात्मक धनात्मक एक दंती लिगेंड होंगे जिन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा, उनके लिए हम कोई शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि उनमें कोई भी ऐसा काम नहीं होता है कि हम उनके लिए लिखें। क्यों, उनमें सिर्फ डायरेक्ट ही नाम लिखा जाएगा। एमीन है तो अमीन, एमाइडो है तो अमाइडो लिख देंगे, अगर अमोनिया जुड़ा है तो अमीन लिखेंगे, बाटर जुड़ा है तो एक्वा लिखेंगे। जो नाम हमने लिख के बताए हैं पीछे, तो वो आपको सभी याद कर लेने हैं। और याद करने के लिए क्या है, थोड़ी देर आप बैठेंगे, उसमें डो लगा होता है, टो लगा होता है, तो डो टो, क्लोरो क्लोरिडो, ब्रोमो ब्रोमिडो, फ्लोरो फ्लोरिडो, हाइड्राक्सो कार्बोलेक्सिटो कार्बोलेक्सो, तो ये नाम लेंगे आपके। और बोलेंगे उसके बाद में साइनेटो आइसोसाइनेटो, जिसमें साट्टा आ जाता उसे टो कर देते हैं। द्विदंती लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम एक बात जोड़ेंगे, बिस, द्विदंती लिगेंड आपका आ जाए जैसे एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन कभी आपको दिख जाए तो आप उसके नाम के आगे, जितने भी द्विदंती लिगेंड हो उसके नाम के आगे पहले आपको बिस लगाना होगा। बिस, जैसे बिस कर रहे हैं हम किसी की लिए, प्रण कीजिए आप भी कि आप सीखेंगे आज, जैसे ये बिस कर रहा है वैसे आप भी प्रण लीजिए आप सीखेंगे। त्रिदंती के आगे लगाते हैं त्रिस, ट्रिस। अगर आपको कहीं उप सहसंयोजन के यौगिक के अंतर्गत आपको मिल जाता है क्या चीज़, त्रिदंती लिगेंड जिसमें तीन दांत हो, जैसे द्विदंती के लिए हमने बता दिया, और त्रिदंती के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं NH2CO, CH2 का होल ट्वाइज NH2, NH2 नहीं लिखेंगे, उसके बाद में CH2 का होल ट्वाइज NH2। तो ये हो गए आपके, देखिए तीन नाइट्रोजन परमाणु पाए गए, एक दो तीन, ये हो गया त्रिस। तो ट्रिस लगाएंगे जब त्रिदंतु लिगेंड उप सहसंयोजन यौगिक के केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा होगा तो हम उसके आगे ट्रिस लगाएंगे। अब जब चार जुड़ा होगा तो आपके थोड़ा सा मतलब का बन जाता है, तो इसे बोलते हैं टेट्रा किस। तब हम लगाएंगे, अगर चतुर्थ दंती होता है तो हम उसके आगे लगा देते हैं टेट्रा किस। अब पांच दंती लिगेंड अगर केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा होगा तो आपका हो जाएगा पेंटा किस, ये आपको लगाने होंगे। तो देखिए आपके नाम थोड़े से मैच भी खा जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, बिस ट्रिस टेट्रा किस और पेंटा किस। मोनो के लिए, एक दंती लिगेंड के लिए कोई ऐसे नामों का यूज़ नहीं किया जाता है, कोई भी ऐसा नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका लिगेंडों का वर्गीकरण।
और लिगेंडो का नामकरण। नामकरण करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का कि एक दंती दुई दंती लिगेंड बीच में आया तो नहीं है, कहीं ऐड तो नहीं है, तो एक दुई दंती के लिए हम क्या करेंगे उसके नाम, एक दंती के आगे तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, कट कर देंगे। दुई दंती है तो बिस लगा देंगे, उस लिगेंड का तो नाम लिखेंगे ही लेकिन उससे पहले बिस लगाएंगे। चार तीन दंती है तो ट्रिस लगाएंगे और लिगेंड का नाम उसके बाद में लिख देंगे, जो भी लिगेंड हो आपका। चार दंती है तो टेट्रा किस लिखेंगे, उसके बाद में उसका नाम लिख डालेंगे। फिर पंच दंती है तो पेंटा किस लिखेंगे और उसके आगे उसका मेन नाम लिख देंगे। तो ये शब्द यूज किए जाते हैं जर्नली, इनको आप चाहें तो नोट कर लें, और नोट कर लें तभी आपका ज़्यादा भला होगा। तो इसको अब हम रब कर देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। ये रूल आपको सीखने होंगे, पहले हमने आपको बता दिया लिगेंडो का नामकरण। तो जब लिगेंडो का नामकरण कर लिया है, अब उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर कि आगे क्या करना है। लिगेंड के तो नाम आप सीख गए, अब लिगेंडो का नाम सीख चुके हैं तो फिर आपको क्या करना है, आगे वाला मतला जानना है क्या भाई है। अब हम बोलेंगे आयनो का नामकरण। अब भाई जो सरल आयन होते हैं, बी हेडिंग डाल लेते हैं इसमें, सरल आयनों का नामकरण। आयन जैसे हम आपको बताते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो उसके जो मेन परिसर होता है बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिखा जाता है, तो बड़े कोष्ठक में जो चीज़ लिखी होती है वो होता है संकुल आयन, और उसके बाहर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो होते हैं आयन। अब आपको बताते हैं कैसे, जैसे हम लिखते हैं K4FeCN का होल 6, जब ये कहीं डिजोल्व होगा तो दो तीन आयन बनाएगा, दो आयन बनाएगा, चार बनाएगा किसके, पोटेशियम आयन के, और एक बनाएगा FeCN का होल 6, और इस पर घाते आ जाएंगी माइनस की 4, क्योंकि चार पोटेशियम आयन टूट गए हैं तो चार इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए हैं और ये बन गया संकुल आयन। ये संकुल आयन है, कैसा है, संकुल आयन, और ये आपका साधारण आयन है, तो इसे बोलेंगे पोटेशियम आयन। आयन तो आयनों का नामकरण हम करेंगे इधर ही, लेकिन उससे पहले हम आयन देख लेते कौन कौन से निकलते हैं। तो इसके आगे हम चलेंगे, दूसरा लिखेंगे AgNH2NH3 का होल ट्वाइज Cl। इसको जब हम किसी चीज़ में डिजोल्व करके बनाएंगे तो बनेगा आपका AgNH3 का होल ट्वाइज, और ऊपर लगा देंगे हम माइनस, और एक आपका Cl बन जाएगा। ये आपका है संकुल आयन, संकुल आयन, और ये है आपका क्लोराइड आयन। ऐसा एक बार में बता देंगे, आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, इतना हमारी ये गारंटी है, आप ले लीजिए कि आज के बाद तो कभी भूलने वाले नहीं है। अब हम इसका यहाँ पर नाम लिखेंगे, क्योंकि आपको संकुल यौगिक इस रूप में ज़्यादा मिलेंगे, इस रूप में कम मिलेंगे। संकुल आयन बन गया आपका, तो हम लिखेंगे जैसे हम आपको दो बेज बताते हैं, ये लगे हुए चात्र, तो लिख सकते हैं हम टेट्रा पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम। अब ये लगा है साइनाइड, तो लिखते हैं हेक्सा, हेक्सा साइनो। साइनाइड का नाम हमने आपको पहले बताया अभी, क्योंकि ये ऋणात्मक लिगेंड है, तो ऋणात्मक लिगेंड का नाम जो भी होगा उसका साइनाइड का साइनो हो जाता। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आयरन है और ऋणात्मक लिगेंड लगा है, तो जब भी ऋणात्मक लिगेंड सीधा सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा होगा, यानी केंद्रीय धातु आयन, ये आपकी केंद्रीय धातु आयन है, क्या है, केंद्रीय धातु आयन है ये आपका, जिसे हम शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं CMI, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोटेशियम टेट्रा पोटेशियम हेक्सा साइनो और फेरेट, फेरेट, क्योंकि फेरस का नाम इसलिए फेरेट हो गया क्योंकि इसमें ऋणात्मक लिगेंड साइनाइड जुड़ा है। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं,
यहाँ पर आप देख लीजिए आक्सीकरण संख्या आपको इधर बताते हैं निकालना, यहाँ पर लिखेंगे एफ ई सी एन का होल सिक्स। आपने पिछले ऋणात्मक लिगेंड और धनात्मक लिगेंड देख लिए, तो पोटेशियम के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, यानी कि हमें निकालनी किसकी है, एफ ई की। दोनों तरफ प्लस होंगे, एफ ई की निकालनी है तो एक पोटेशियम का होता है एक, और चार पोटेशियम लगे हैं तो चार हो गया, ठीक है। ये क्लोराइड आयन को मिटा देते हैं ताकि आप सीख जाएं कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो एक पोटेशियम के लिए एक होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चार है तो चार का मल्टीप्लाई करेंगे, साइनाइड पर माइनस वन होता है चार्ज, और इसमें हम कर देंगे छः का मल्टीप्लाई, क्योंकि छः साइनाइड लगे हुए हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो चार प्लस। और हम देख लेते हैं कि इस पर कोई आवेश तो नहीं है, उतना ही आवेश अगर लिखा हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ चार लिखे हैं ये आवेश है तो हम माइनस चार यहाँ लिख देंगे, लेकिन इस संकुल यौगिक पर ये अभी उदासीन है। कैसा उदासीन, तो इसके आगे हम चार नहीं लिखेंगे, जीरो लिख देंगे। तो ये यक्स प्लस और माइनस का इसमें वन में गुणा होगा तो माइनस, आगे जीरो, तो चार को छः में से घटाएंगे, यक्स माइनस टू इक्वल जीरो, तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका प्लस टू। ये साबित कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एफ ई जो है उस पर दो प्लस के चार्ज हैं, प्लस का आवेश टू है। तो यही इसके आगे हम संख्या खड़ी कर देते हैं रोमन भाषा में। किस भाषा में, रोमन भाषा में इनका हम ऐसे ही संख्या खड़ी कर देते हैं। तो ये रोमन भाषा में इसका नाम हो गया आयरन की जो भी ऑक्सीकरण संख्या निकली। दूसरी कंडीशन एक और लिखते हैं, इसके दो बेज पोटेशियम, पोटेशियम इसी संकुल यौगिक का दो पथ से नाम लिख रहे हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट और सेकेंड। अब आप कहेंगे सर ने तो दो हिस्से लगा दिए, यहाँ टेट्रा लगाया था और यहाँ टेट्रा नहीं लगाया। अब आपके बताते हैं लिगेंड में गिनती, अगर वो लिगेंड बड़े कोष्ठक के अंतर्गत आता है, अगर लिगेंड बड़े कोष्ठक के अंतर्गत आता है तो उसकी गिनती मोनो, दो लगे हों तो डाई, तीन लगे हों तो ट्राई, चार लगे हों तो टेट्रा, पाँच लगे हों तो पेंटा, छः लगे हों तो हेक्सा, सात लगे हों तो हेप्टा, और छः से ज़्यादा लिगेंड लगे नहीं होते। और जो बाहर लिखे जाते हैं, चाहे वो एक से लेके एक हजार तक क्यों ना लिखे गए हों, आप इस बात को समझिए कि जो बड़े कोष्टक के बाहर लिखे जाते हैं उनकी गिनती एक हजार क्यों ना हो, यहाँ पर लिखा टेट्रा पोटेशियम यानी कि चार पोटेशियम, ये बात गलत है। हम गिनती नहीं बताएंगे जो संकुल यौगिक के बाहर लिखे होंगे, यानी कि बड़े कोष्टक के बाहर जो भी लिखा होगा उसकी गिनती बिल्कुल नहीं बताएंगे, डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे, सीधे सीधे उसका नाम लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम नाम लिख दिया तो ये वाला आपका नाम हो जाता है गलत। पहला नाम गलत और दूसरा नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बाहर वाले चार पोटेशियम की गिनती नहीं बतानी है, इसकी जगह पर चार सोडियम क्यों ना लगे हों, पाँच कैल्शियम क्यों ना लगे हों, लेकिन उनकी गिनती नहीं बतानी, उसका सीधा नाम लिख देना, चाहे बाहर की ओर लिखा गया हो तब भी हम उसकी गिनती नहीं बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं कितना है डाई अमीन, इसका नाम लिखेंगे डाई अमीन। अब यहाँ पर सिल्वर लगा है तो इसका नाम होता अर्जेंटाइट, सिल्वर को आई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अर्जेंटाइट बोलते हैं। अगर ये ऋणात्मक लिखा होता, अगर यहाँ साइनाइड बाई चांस लिखा होता तो इसे अर्जेंटेटो बोलते, अर्जेंटेटो, चूँकि ये उदासीन लिगेंड है, अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है जिसे हम बोलते हैं इस उप सहसंयोजन यौगिकों में एमीन, तो इसे बोलेंगे अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, ये हो गया आपका अर्जेंटाइट। अब हम इसका देखेंगे कि क्लोराइड बाहर लिखा है, पहले आईपीएससी में ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, तो सिल्वर की यहाँ आपको बताते हैं यक्स होगी क्योंकि सिल्वर की निकालनी है, और अमोनिया की हमेशा जीरो होती है, दो का मल्टीप्लाई, और माइनस का हम एक और लिखेंगे, प्लस माइनस का एक क्लोराइड है और पूरे पर चार्ज नहीं लगा, ये लिखी है आपकी क्लोरो की और ये आपकी लिखी है अमोनिया की,
और कोई चार्ज नहीं लगा इसके ऊपर, यानी कोई आवेश की गिनती नहीं लगी है, जैसे यहाँ लगे कुछ गिनती नहीं लिखी है तो इक्वल जीरो। नहीं तो यही जो आवेश लगा होता है प्लस का लगा होना चाहिए था, सॉरी, तो यही आवेश इसके इक्वल में लिख देते हैं। तो हम इसको निकालते हैं, तो ये तो हो गया जीरो, और इधर आया आपका माइनस वन इक्वल जीरो, तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन, और रोमन भाषा में इसी के आगे नाम खड़ा कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मिटा देते हैं, तो इसके आगे लिख देंगे, अब बाहर लिखा गया, चूंकि अब इसके हम बाहर नाम लिखेंगे किलो राइड, किलो राइड। अगर हमने इसके आगे मोनो लगा दिया, मोनो लगा दिया यानी कि ये अकेला है, तो मोनो क्लोराइड भी लिख सकते हैं, लेकिन गिनती हमने बताया जो कोष्टक के बाहर लिखे जाएंगे, इस बड़े कोष्टक के बाहर लिखे जाएंगे, उनमें आगे पीछे दाएं बाएं चाहे जितने नंबर क्यों ना लगे हों, उनकी गिनती नहीं बताएंगे। मोनो के लिए मोनो नहीं लिखेंगे, डाई के लिए डाई नहीं लिखेंगे, लेकिन अंदर वाले की गिनती बताएंगे। अंदर वाले में ये लिखा है दो, तो यहाँ लिखा है डाई, लेकिन यहाँ मोनो नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया आयनों का नामकरण। अब आ जाता है संकुल यौगिकों का नामकरण। अब बी हेडिंग यहीं पर बता देते हैं, उप सह संयोजक, सी उप सह संयोजक परिसर का नामकरण, यानी कि उप सह संयोजन, जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके नामों को हम यहाँ मिटा देते हैं या अभी लिखा रहने देते हैं, बाद में हम आपको लिखकर बताते हैं, तो इसको मिटा देते हैं साथ में आप दोनों चीज़ें। अब ये तो सीख ही गए कि ये संकुल आयन है, ये पोटेशियम आयन है, ठीक है, तो इसी में आपको बताते हैं ये संकुल आयन। तो उप सह संयोजन परिसर का नामकरण, ये जो हिस्सा जब कोई उप सह संयोजन यौगिक आयनों में टूट जाता है, जो बड़े कोष्टक के अंदर आयन होता है, वही आपका क्या कहलाता है, ये उप सह संयोजक परिसर कहलाता है। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर एरो ना लगा कर यहाँ लगाइए कि ये जो पूरा बात है वो ये कहलाती है, यानी कि पोटेशियम हेक्जा साइनोफेरेट जब किसी में डिजोल्व किया गया, घोला गया, तो जो बड़े कोष्टक में अपनी पहचान ना खोने वाला एक यौगिक आयनिक रूप प्राप्त किया, उसे हम कहते हैं उप सह संयोजन यौगिक का परिसर, परिसर। अब इसका हम नामकरण करेंगे तो ये हमेशा आयनिक रूप में होगा। कैसा होगा, आयनिक, क्योंकि ये पूरा क्या है, परिसर, परिसर, वो भी किसका, उप सह संयोजन यौगिकों का परिसर, उप सह संयोजन यौगिक है उसका परिसर होगा। इसका नामकरण करेंगे, देखिए इस पे पावर लगी हुई है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे, सॉरी इसका नाम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम पहुंचते हैं लिगेंड पर। अब इधर उधर तो दोनों ओर कोई चीज़ है नहीं, कोई भी एलिमेंट रखा नहीं, कोई भी पदार्थ है नहीं, तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, संकुल यौगिक के अंदर, तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, क्योंकि छः साइन, अगर बाहर की ओर होते तो हम इनकी गिनती नहीं बताते। ये आपका परिसर है, वो भी उप सह संयोजन यौगिक का परिसर, हेक्सा साइनो हो गया। अब हेक्सा साइनो लिख गया, अब चूंकि ये माइनस के लिगेंड लगे हैं, यानी ऋणात्मक लिगेंड लगे हैं, तो इस फेरस का नाम हो जाएगा फेरेट। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो आपको बताते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऊपर ही आयरन की हम यक्स से डिनोट कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, ए बी सी डी आप कुछ भी रख लीजिए आयरन की जगह पर, और आगे बीच में लगाते हैं प्लस, फिर उसके बाद में देखते हैं कि साइनाइड पर कितना आवेश होता है, माइनस वन, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फिर यहाँ पर कितने लगे हुए हैं, छः मरतबा क्या है आपका साइनाइड, और इक्वल में हमने पहले बताया था जितना चार्ज लगा होता वही लिख देते हैं, तो माइनस लिख दिया चार। इसको आप हल करिए, क्योंकि अब ये मान लिया x, तो x
माइनस छः बराबर माइनस चार, तो बराबर के उस तरफ हम छः को ले जाएंगे तो प्लस के छः हो जाएंगे और माइनस चार टोटल बचेगा आपका दो, तो हम आपको यहाँ पर खड़ा कर देंगे दो। कितनी लकीरें खड़ी कर देंगे? दो, रोमन भाषा के दो अंक खड़े कर देते हैं। जितना केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण नंबर निकलता है उसको रोमन भाषा में लिखते हैं, रोमन जो न्यूमेरिक होती है रोमन अंकों में हम लिख देते हैं, खड़ा कर देते हैं। अब चूंकि ये आयनिक है तो इसे हम आयन भी जोड़ेंगे, आयन। ये जो नाम लिखा हुआ है, अब ये उपसहसंयोजन यौगिकों का परिसर है, ये जो नाम लिखा हुआ है ऐसे ही हम इसका लिख सकते हैं। लिखिए, आगे पीछे कोई नहीं है क्योंकि ये अलग हट चुका है, ये टूट चुका है, डिकम्पोज हो गया, आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो हम आगे पीछे कुछ है नहीं वो ही लिखेंगे। तो इधर तो लिखते नहीं हैं, तो अब यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे? लिगेंड में, अमोनिया लिगेंड के रूप में जुड़ी है, तो लिखेंगे कितने हैं? डाई अमोनिया को बोलते हैं एमीन, क्योंकि लिस्ट पीछे बनवा चुके हैं आपके लिए, डाई एमीन लिख गया। अब उसके बाद में इसको लिखेंगे अर्जेंटाइट। अगर ये ऋणात्मक लिगेंड होता, ऋण आवेशित लिगेंड होता तो अर्जेंटेटो हो जाता, लेकिन ये बदलेगा नहीं, अर्जेंटाइट। अब इसका निकालते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ले लेते हैं यक्स। अमोनिया की मुक्त अवस्था में होती, फ्री स्टेज में पाई जाती, जो भी चीज़ें आपको फ्री स्टेज में मिलती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता, ऑक्सीकरण संख्या जीरो होती, दो का मल्टीप्लाई, और बराबर में आवेश कितना लगा? धन का, तो धन का एक बोलेंगे, एक है, तो यहाँ पर जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, एक्स बराबर वन निकलेगा, तो न्यूमेरिक में खड़ी कर देंगे रोमन न्यूमेरिक, यानी रोमन भाषा के अंकों में हम खड़ी कर देंगे फर्स्ट, क्योंकि ये पूरा आयनिक परिसर यानी कि उपसहसंयोजन परिसर आयनिक है तो हम इसे लिखेंगे आयन। ये होता है नामकरण विधि करने की, किसका? उपसहसंयोजन परिसर का। आप आ जाते हैं नेक्स्ट पर, हमें यकीन है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और आप इसको सीख जाएंगे, भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे। आप इसको रफ कर देते हैं, लिख लीजिए हर एक पॉइंट को, हमने साधारण भी बताए और वैसे भी बता दिया आपको, आयनिक भी, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है ये भी बताया आपको, एक बार फिर रिपीट कर देंगे, और रिपीट के आप पीछे जाएं तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देख लें, तब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। अब आ जाती है आपकी डी हेडिंग। डी हेडिंग में आप लिखेंगे इसमें उपसहसंयोजन या उपसहसंयोजक यौगिकों, के नामकरण का वर्गीकरण। उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण करते हैं तो उसका वर्गीकरण भी आ जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब हम वर्गीकरण करेंगे तो कई प्रकार की इसमें स्टेपें होती हैं। नंबर एक, धन आयनिक संकुलों, धन आयनिक संकुलों का नामकरण, और धन आयनिक संकुल अभी तो हमने आपको एक लिखकर बताया था, जैसे हम लिखेंगे AgNH3 का होल ट्वाइज और ऊपर लगा आपका प्लस वन, ये धन आयनिक लिगेंड हो गए, संकुल यौगिक हो गया, धन आयनिक संकुल यौगिक। अगर आयन ना होता तो ये पूरा उपसहसंयोजन यौगिक होगा, संकुल यौगिक होगा, तो आगे लिख सकते हैं आप FeCN का होल 6 और इस पर लगा देंगे -4। इसके अलावा आपका हो सकता है NiH2O का होल 4 और आप लगा देंगे यहाँ पर -K2।
ये आपके कैसे हो गए, सॉरी ये तो ऋण आयन हो गए हैं, ऋण आयनिक की जगह पे हमें धन आयनिक लगाने हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका, क्योंकि ऋण आयनिक में वाटर, ये तो आपका कैसा हो जाएगा धन आयनिक H2O, ये आपका सही है, लेकिन साइनाइड लगा होगा तब तक ये ऋण आयनिक धन आयनिक नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इसकी जगह पर अमोनिया, या फिर आप ऐसा लगा दें जो उदासीन अवस्था में हो, ठीक है लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम लगा दें कार्बोनिल और यहाँ पर लगा देंगे आप दो, ये धन आयनिक हैं। जब हम इनका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इक्वल में इनके सबसे पहले क्या है, जीरो नहीं सॉरी प्लस वन, कितना है प्लस वन, क्योंकि जितना चार्ज लगा होता वही इसका इक्वल होता, यहाँ पर कितना है प्लस टू, यहाँ पर कितना है प्लस टू। तो जब भी धन आयनों का हम वर्ग नामकरण करेंगे तो पहले हम इनके ऑक्सीकरण नंबर निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण बाद में जब नाम लिखता है तो कचड़ा जैसा हो जाता है। अब यहीं पर ऑक्सीकरण नंबर भी सीख लीजिए और आप नाम धन आयनों का लिखना सीख लीजिए। धन आयनों का नाम लिखे तो प्लस वन पहले सिल्वर की निकालनी है, तो ये यक्स, और यहाँ पर आपका अमोनिया होती है शून्य अवस्था में, तो इसका हो जाएगा जीरो, ये तो पूरी जीरो हो गई, कितना आया प्लस वन, और यही न्यूमेरिक फर्स्ट में खड़ा करना है। यहाँ पर आप निकालेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री स्टेज में होती है, इसमें हम कितने का गुणा करेंगे चार का, और आयरन की यक्स, Fe की कितनी होगी एक्स, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी चार का गुणा करने पर, तो इसका आएगा प्लस दो, इसको हम रोमन अंकों में सेकेंड लिखेंगे। इसी प्रकार से निकिल का यहाँ पर होगा एक्स, वाटर होता है शून्य अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती है और अमोनिया भी मुक्त अवस्था में होती है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो एक्स बराबर आएगा प्लस टू, इसको भी दो न्यूमेरिक में खड़ा कर देंगे रोमन भाषा में। अब हम लिखेंगे नाम, ना तो इधर कुछ है जो जिसका नाम पहले लिखा जाए, स्टार्ट यहीं से करते हैं, लेकिन कुछ मिले ना तो सीधा संकुल यौगिक में चले जाते हैं, अंदर वाले एरिया में चले जाते हैं जो बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, और बड़े कोष्ठक में भी ए बी सी डी यानी के जो अल्फ़ाबेट होती है उसके नाम से, जैसे अमीन का नाम ए से होगा, क्लोराइड का नाम सी से होगा, तो ये ए बी सी का भी ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे, लिगेंडो का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में करेंगे, अमीन है तो ए से लिखा जाएगा, क्लोराइड सी से, ब्रोमाइड है तो बी से लिखा जाएगा, और अगर आपका और भी चीज़ है एक्वा है तो ए से लिखा जाएगा, अब यहाँ पर एक्वा आ जाए जैसे वाटर आपका, तो आप किसे भी आगे पीछे कर सकते हैं, एक जैसे न्यूमेरिक हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जब भी हम लिगेंडो का नामकरण करेंगे तो देख लेंगे एक से ज़्यादा तो नहीं लिगेंड है, तो एक से ज़्यादा तो है नहीं, दो ही हैं, तो लिखेंगे डाई अमोनिया को इसमें कहते हैं एमीन, इसका नाम लिखते हैं अमोनिया का एमीन, डाई अमीन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर और अर्जेंटाइट भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, सिल्वरेट नहीं लिख देंगे, सिल्वर लिख दिया कोई बात नहीं, अर्जेंटाइट लिख दीजिए आप, ठीक अर्जेंटाइट और सिल्वर लिखने के बाद में अगर आयनिक होता तो हम अर्जेंटाइट लिख देते, माइनस का लिगेंड होता तो सिल्वर को हम अर्जेंटाइट लिख देते, अर्जेंटेटो लिख देते। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल गया आई फर्स्ट, अब इसके आगे हम लिख देंगे ये आयनिक कंपाउंड है तो आयन लिख देंगे, आयन हो गया ऐसे, इसका यहाँ बाहर कुछ नहीं है, इस ओर भी बाहर कुछ नहीं, इस ओर भी बाहर कुछ नहीं, तो डायरेक्ट केंद्रीय धातु आयन के पहुँचेंगे लिगेंड पर, ये है कार्बोनिल और इसकी गिनती बताएंगे, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल और लिखेंगे फेरस, ये फेरस लिखेंगे और आयरन भी आप लिख सकते हैं, फेरस लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फेरेट करना पड़ता फेरस। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई दो, तो इसके आगे दो बनाएंगे, क्योंकि ये आयनिक है तो ऑक्सीकरण संख्या के ठीक बाद में आयन लिख देंगे, लीजिए लिख गया। प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं दो तीन अंक के आपसे ये नाम लिखने को, उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण कीजिए, या लिखा होगा इंग्लिश मीडियम में जो भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कीजिए। अब इसी प्रकार से हम इसका लिखेंगे, इधर लिखते हैं इसका,
लिखेंगे, इधर भी नहीं कुछ उधर भी कुछ नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर अंदर लिखते हैं, फिर बाहर वाला लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ये आपके लिगेंड लिखे हैं, तो ये लिखे टेट्रा। वाटर का नाम H2O लिखा हुआ है, तो इसका हम लिखते हैं एक्वा, एक्वा, टेट्रा एक्वा, यानी चार मॉलिक्यूल्स अणु वाटर के लगे हुए हैं। और उसके बाद में लिखेंगे निकिल। अगर ये वाटर उदासीन अवस्था में नहीं होता तो माइनस का होता, अगर माइनस का कोई लिगेंड होता है तो इसका नाम चेंज हो जाता निकिलेट में, एट जोड़ देते हैं। उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या निकली, ऑक्सीडेशन नंबर निकला इसका दो, तो दो रोमन अंक में खड़े कर दिए। आयनिक कंपाउंड है तो आयन लिख दीजिए, है ना बेरी जी? कितना ईजी है? तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। बस देखने में थोड़े से अजीब से लगते हैं, पर हैं कुछ नहीं, बस बड़े कोष्टक में लिखा देख क्या बवाल है, ये कुछ बवाल नहीं है, बहुत आसान है, बवाल तो करना ही नहीं है, सवाल कीजिए, बवाल नहीं, सवाल कीजिए आप, बस सवाल करेंगे, बस आप लिख के बताइए कि कौन से टॉपिक में आपको परेशानी है। अरे ये नामकरण तो कर रहे थे, धनात्मक तो हुआ, अभी ऋणात्मक बताने को है, ऋणात्मक बताने को है भाई, अभी तो इसको रोक कर देते हैं और ऋणात्मक कुछ बताते हैं। उपसह संयोजन या संयोजक कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी एडिंग थी? सी, सी हो गई थी। उसके बाद में आपके आ जाते हैं उदासीन लिगेंड, बी एडिंग लिखें या धनायनिक लिगेंड लिख दें या सेकंड ऋणात्मक, ऋणात्मक, सॉरी क्या लिख दिया, ऋणात्मक संकुल यौगिकों का नामकरण। ज़्यादातर तो संकुल यौगिक ऋणात्मक ही मिलते हैं, क्योंकि उनसे लिगेंड पावरफुल जुड़े होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। आप देख लीजिए, आपको सबसे पहला ईजी बेरी ईजी, ये आपका है ऋणात्मक लिगेंड, तो हेक्जा साइनोव था और यहाँ पर लगे थे आपके चार, ये आपका था। दूसरा आपका लिखते हैं NiCl 4, तो इस पर आपके लगा देते हैं -2, और यहाँ पर आगे लिखते हैं तो लिखते हैं CO, उसके बाद में इसका कुछ और नाम लिखेंगे, तो हम लिख देंगे ऐसा कोई कंपाउंड जो ऋणात्मक बना दे, तो इसकी जगह पर एक ऐसा ले लेते हैं हाइड्रो नाइट्राइटो, नाइट्रो ले लीजिए, NO2 का होल ट्वाइस या फोर कर दें आप, और यहाँ पर लगा दें दो। अब हम इसका नामकरण करेंगे, लिगेंड के जब नामकरण ऐसे करते हैं जो ऋण आयनिक होते हैं, तो ऋण आयनिक में इसके आगे क्या लगा है, -4, और यहाँ पर कितना लगा हुआ है, -2, यहाँ पर कितना इक्वल है, -2। देखिए पहले धन आयनिक थे तो इक्वल में धन में आ रहे थे, अब ऋण आयनिक है ऋण में आएंगे, ऋण आयन ले लें यहाँ है, तो हम इसका क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, और साइनाइड हमेशा बंद चार्ज लिए रहता है माइनस का, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, माइनस का बन है कितने साइनाइड 6, तो एक्स -6 इक्वल -4, ये उस तरफ जाएंगे तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, +6 -4 बराबर +2, यही आप खड़े कर देंगे, यानी कि ये रोमन अंक आपने निकाल लिया। अब आयरन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात हो गया, इसी प्रकार से हम निकिल का एक्स लेंगे, और क्लोराइड पर हम तो जनरली जानते हैं कि -1 होता है चार्ज, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका होता है -1 और 2 का चार का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा +4 -2 आपका आ जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 न्यूमेरिक खड़ी कर देंगे। ऐसा नहीं होगा हर जगह सेम निकले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर कोबाल्ट, कोबाल्ट का एक्स ले लिया, नाइट्रो पर -1 होता है तो 1 -1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये उधर जाएंगे, तो एक्स बराबर +4 -2 इक्वल आएगा आपका +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लिए, ठीक है। ऐसा आप पहले ही रफ्तार में कर लें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना है। अब ये तो निकल आए कि क्या लगाना है, अब हमें इनके नामकरण करने हैं,
चूँकि इधर भी कोई नहीं उधर भी कोई नहीं, स्टार्ट यहाँ पर करते हैं और अंत यहाँ करते हैं, शुरुआत नामकरण का यहीं से करेंगे। बस इतना होता है कि आपको याद रखना है बाहर लिखे गए यौगिक जो भी लिगेंड बाहर लिखे जाते हैं या तत्व जो बाहर दिखते हैं उनका हम नामकरण तो करते हैं लेकिन उनकी गिनती नहीं बताते, मोनो डाई ट्राई टेट्रा ये नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंदर जब कूदते हैं तो लिगेंड को लिखते हैं वो भी ए बी सी डी नाम के, देख लेते हैं ए बी सी डी किसका पहले आ रहा है, इस प्रिपरेशन में लिखते हैं, इस प्रिफ्रेंस में देते हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लिखा जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका सबसे पहला नाम लिखे जाएगा लिगेंड का, तो लिखेंगे हेक्सा और लिगेंड लगा हुआ है साइनो, तो बता दी गिनती, इधर होता तो गिनती नहीं बताते, बाहर होता तब भी गिनती नहीं बताते, दोनों तरफ किधर भी दाएं बाएं कहीं भी हो गिनती नहीं बताएंगे। अब आगे आ जाते हैं फेरस, फेरस को लिखेंगे हम फेरेट, क्या लिखेंगे फेरेट, जब भी ऋणात्मक लिगेंड होगा तो उस धातु सेंट्रल मेटल आयन के आगे ए टी ई जोड़ देंगे, इसका मतलब होता एट, एट जोड़ देंगे, फेरस था फेरेट हो गया, फेरेट हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर फेरेट का कितना है दो, आगे खड़ा कर दिया, चूँकि ये आयन है तो आयन लिखना होगा, लिख गया, ये नाम है। आप देख लीजिए बदलाव क्या हो गया ऋण आयनों में, फेरेट हो गया, फेरेट फेरस की जगह फेरेट, ऐसे यहाँ भी क्लोराइड लगा हुआ है, क्लोरो लगा तो इसका नाम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा क्लोरो। अब यहाँ पर हमने दो नाम बताए थे क्लोरो को, जब भी इनके लिगेंड लिखवाए दे पीछे तो हमने बताया था इसे क्लोरिडो भी बोलते हैं, तो क्लोरिडो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में निकिल, निकिल होता है निकिल, लेकिन ये ऋणात्मक लिगेंड लगा हुआ है क्लोरो पर, क्लोराइड पर माइनस का चार्ज पाया जाता है, ये इसका नाम चेंज कर देता है, उसके नाम के आगे लगा देते एट, तो ये हो जाएगा निकिलेट, निकिलेट, और लगा देंगे आगे ऑक्सीडेशन नंबर, चूँकि ये आयनिक है पूरा तो आयन भी जोड़ेंगे, आयनिक ना होता तो आयन नहीं जोड़ेंगे, ऐसे यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे टेट्रा नाइट्राइट, नाइट्राइटो, टेट्रा नाइट्राइटोन, इसका नाम है नाइट्राइटो। अब हम देखेंगे इसके कि टेट्रा नाइट्रोटो लगा है, इस पर भी NO2 पर माइनस का चार्ज होता है, तो ये भी माइनस का यानी कि ऋणात्मक लिगेंड है, इसका नाम बदल देगा, वैसे तो जर्नल नाम होता है इसका कोबाल्ट, लेकिन इसमें क्या जोड़ना एट, तो कोबाल्टेट, ये हो जाएगा कोबाल्टेट, और उसके आगे नंबर दो खड़े कर देंगे न्यूमेरिक, और ये आयनिक है तो आयन लिख देंगे आयन। ये इस टाइप से आप लिखेंगे ऋणात्मक संकुल यौगिकों का नामकरण। अब आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, उदासीन, कुछ उदासीन लिगेंड संकुल यौगिक बताते हैं जिन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, आवेशहीन होते हैं, तो आपका तीसरा होगा उदासीन लिगेंड। या उदासीन लिगेंड नहीं, सॉरी संकुल यौगिकों, लिगेंड का क्यों नाम आ रहा है, उदासीन संकुल यौगिकों का नामकरण। उदासीन संकुल यौगिकों का नामकरण करेंगे तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, कैसे देखिए, कुछ उदासीन संकुल यौगिक ले लेते हैं जैसे के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स, उदासीन है ना, या फिर आप और ले लें दे अदर सी यू सी एन का होल सिक्स और के टू लिख दें, यहाँ पर एक दो यौगिक हो गए। अब इसके आगे और भी लिख सकते हैं आप पी टी प्लेटिनम एच टू ओ, उसके आगे लिख देंगे सी एल टू, और आगे कुछ और लिखना है तो यहाँ पर एक बार सी एल टू बाहर लिख दें। ये सभी उदासीन लिगेंड हैं,
इनमें उदासीन संकुल यौगिक हैं, इनमें कोई भी आवेश नहीं है, देखिए कुछ भी सर पर लगा नहीं है। ये उदासीन लिगेंड हैं, अब इन उदासीन सॉरी लिगेंड बार बार निकल रहा है, लेकिन ये यौगिक हैं, उदासीन संकुल यौगिक हैं। तो उदासीन संकुल यौगिकों का नामकरण करेंगे तो हमें लिखना होगा वही रूल, स्टार्ट करना होगा यहाँ से। तो हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर को पहले निकाल लें ताकि नाम लिख जाता है फिर गड़बड़ी हो जाती है। अब हमें मालूम है किसका निकालना, आयरन का एक्स, इधर पोटेशियम जुड़े हैं, इसे भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो इधर भी हो जिस तरफ जुड़ा हो, बस जुड़ा हो उसका भी नाम लिखेंगे। पोटेशियम का होता है आपका प्लस वन, इतना प्लस वन, और उसमें चार का मल्टीप्लाई, बीच में बड़ा प्लस, ये बड़ा प्लस, ये अलग है, ये अलग वैल्यू है। साइनाइड पर हमेशा ऑक्सीकरण संख्या होती है इसकी वन, और इसको छः का मल्टीप्लाई, इस पर आवेश नहीं लगा तो जीरो, पहले जो भी होता था आयनिक में वो लगा देते थे, अब इसको हम करेंगे, ये चार हो गया, ये यक्स हो गया, ये माइनस छः इक्वल जीरो। अब ये यहाँ पर दो घट जाएंगे तो यक्स माइनस दो इक्वल जीरो, तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका प्लस दो। तो यहीं पर लिख देते, ये ऐसे दिखा दें, याद बना रहेगा कि आयरन पर प्लस दो आवेश है जिसे हम न्यूमेरिक भाषा में लिखते हैं। अब इसको हम रब कर देते हैं, सबके पहले क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। यहाँ पर हम कॉपर को यक्स मान लें, तो यहाँ पर लिखा है क्या, पोटेशियम, तो पोटेशियम लगा हुआ है तो इसके दो लिख देंगे हम, वन प्लस टू, वन इंटू टू और प्लस बीच में, साइनाइड का माइनस वन होता है, छः लगा देंगे इक्वल जीरो क्योंकि आवेश नहीं है। तो यहाँ पर दो हो गया, फिर यक्स हो गया, फिर माइनस छः हो गया, इक्वल जीरो हो गया, घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, तो यक्स प्लस फोर, यानी कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है, या कहेंगे जो आवेश लगा है, वो प्लस फोर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे खड़ा करेंगे, इस प्रकार से। अब इसको हम यहाँ पर भी रब कर देते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर को पहले ही निकाल लें, आगे प्लेटिनम में निकालते हैं, प्लेटिनम का एक्स, एक्स मान लेते हैं, वाटर हमेशा थ्री स्टेज में होता है तो जीरो हो जाता है, फिर प्लस Cl2 का माइनस वन इंटू टू, फिर प्लस आपका लिखना होगा Cl2 बाहर लिखा, आप देखिए इधर लिखा, इसे भी नहीं छोड़ सकते, इसका भी लिखेंगे क्योंकि जुड़े सब सेंट्रल मेटल आयन से ही है, माइनस वन इंटू प्लस टू, अब पूरे पर कोई चार्ज तो है ही नहीं, आवेश है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे जीरो। तो यहाँ पर x, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, इसको हटा दो, माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू, एक और माइनस टू इक्वल जीरो, टोटल करिए x माइनस फोर इक्वल जीरो, तो x बराबर प्लस फोर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर फोर, वो भी प्लेटिनम का, जिसका ऑक्सीडेशन निकला ठीक उसी के ऊपर लिख डाला है। अब आप आराम से इनका नाम लिख सकते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, गिनती बिल्कुल नहीं बताएंगे बाहर वालों की, तो लिखेंगे पोटेशियम, अंदर चले जाएंगे तो लिगेंडो का नामकरण इस प्रकार से करेंगे अल्फ़ाबेट में, अकेला लिगेंड है साइनाइड, उसकी गिनती बताइए, हेक्सा है, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, अब उधर दूसरे लिगेंड का नाम लिखना होगा तो हम इधर आ जाते हैं, हेक्सा साइनो फेरस का नाम फेरेट इसलिए हो जाएगा कि ये माइनस का ऋणात्मक लिगेंड है, कैसा है, ऋणात्मक, तो यहाँ पर लिखेंगे साइनो फेरेट, और कितने हैं ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, खड़ा कर दीजिए, ये लीजिए नाम इसका लिखकर तैयार हो गया, ऐसे नामकरण करते हैं। आगे पहुँचते हैं, फिर हम लिखते हैं क्या है यहाँ पर, पोटेशियम, गिनती बिल्कुल नहीं बताएंगे, पोटेशियम, शुरुआत जो कोष्टक के बाहर लिखे होंगे उसकी गिनती बिल्कुल नहीं बताएंगे। अंदर पहुँच जाते हैं, फिर साइनाइड लगा हुआ है तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, फिर इसका नाम भाई कॉपर है, ये बदल जाएगा, एट जोड़ना है तो क्यूप्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ऋणात्मक लिगेंड, कॉपर, कॉपर बदल जाएगी क्यूप्रेट में, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है चार,
ये देखिए ऐसे नामकरण किया जाता है ना जी। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, जितना बेस्ट टाइम देते हो भाई, जितने लोग देखते हो उतने लाइक करें तो बड़ा ही खुशी मिलेगी हमें। और जो भी प्रॉब्लम हो इसमें ज़रूर कमेंट किया करें, अगर अच्छा लगता है वीडियो को तो फिर अच्छी सी कमेंट कर दिया करें, ताकि अच्छी सी कमेंट करेंगे तो हमारे अंदर भी उत्तेजना जागेगी आपको अच्छे से अच्छा बताने की, और मेहनत करेंगे आपके और माथे में ऐसे डाल देंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो कहते हैं वो भेजा में ठोक देंगे, बातों को भेजा में ठोक देंगे भाई, भाई भेजा को नहीं ठोकेंगे, बातों को ठोकना है, इस पढ़ाई को इस स्टडी को इतना स्टेबल कर लेना है कि कभी बाहर ना निकले तो भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे, यहाँ कुछ मिला नहीं तो छोड़िए, आगे मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अल्फ़ाबेट ढूंढ लेंगे, वाटर लिखा जाता एक्वा यानी ए से आता है, और क्लोराइड क्लोरो यानी सी से। तो सबसे पहले इसका नाम वाटर का लिखेंगे, उसके बाद में क्लोराइड का, अगर अल्फ़ाबेट ना चलाते तो ये गड़बड़ी हो जाती। तो सबसे पहले लिखिए डाई, डाई एक्वा, डाई एक्वा। अब इसके बाद में हम लिखेंगे डाई क्लोरो, लिख गए दोनों डाई एक्वा डाई क्लोरो। अब इसका नाम नहीं बदलेगा क्योंकि इससे वाटर जुड़ा हुआ है, वाटर जुड़ा हुआ है, इसका नाम लिखेंगे प्लैटिनम, प्लैटिनम। डाई एक्वा क्या लिखेंगे, डाई एक्वा डाई क्लोरो प्लैटिनम हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इसके आगे ही लगाएंगे चार। अब कौन बचा है, क्लोरो। अब इसका नाम क्लोरो नहीं लिखेंगे, बाहर लिखते हैं हम क्लोराइड, इसका नाम बाहर वाला लिखेंगे हम क्लोराइड। यहाँ क्या लिखा गया, क्लोरो, या आप लिख सकते थे क्लोरिडो। अब देख लीजिए बाहर क्लो, एक एक कन्फ्यूजन को आपके माथे से बिल्कुल हटा देंगे, दिमाग में जो भी चक्रव्यूह चल रहा है उस चक्रव्यूह को बिल्कुल ही घटा देंगे, आपका एकदम माइंड स्टेबल हो जाएगा, पढ़ाई करने में बहुत ही मज़ा आने लगेगा। अभी आप पढ़ाई करते हैं समझ में नहीं आया, सर क्या बता दिया समझ में नहीं आया, तो इस चीज़ों को छोड़ देंगे। समझ में क्यों नहीं आएगा, हम समझाएंगे आपको, हम बताएंगे कैसे करना है। ये हो गया, एक जगह हमने बिस ट्रिस और टेट्रा किस की बात की है, उसके बारे में कोई भी नाम नहीं लिखाया। तो आपको बताते हैं, एक नाम और ले लेते हैं, इसको हम जोड़ दे अलग कर देते हैं, इसी प्लेटिनम में लिख लेते हैं पी टी और ई एन का होल ट्वाइच, आगे लिख देते हैं सी एल टू और SO4, हर चीज़ में आप ला सकते हैं। तो देखिए इसका नाम लिखेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, कितना जीरो, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस टू, इसका भी माइनस टू, तो टोटल जोड़ेंगे और पूरे पर कुछ है नहीं, अब तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एथिलीन डाइअमीन उदासीन अवस्था में होती है तो जीरो, और इसकी एक्स निकालना किसका, प्लेटिनम का, क्लोरीन दो है तो दो, सल्फेट पर माइनस टू होता तो माइनस टू, एड करिए माइनस फोर, इक्वल के उधर जाएंगे माइनस फोर तो प्लस के फोर हो जाएंगे, यही ऑक्सीडेशन नंबर है, लिख गया है किसके लिए, प्लेटिनम के लिए। अब आप नामकरण कर सकते हैं, तो एथिलीन डाइअमीन ई से लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा सी से, तो सी पहले आता है ई से, तो यहाँ पर लिखेंगे डाई क्लोरो। अब लगाएंगे एथिलीन, द्वि दंती लिगेंड है, कितना द्विदंती, द्विदंतों के इस पर दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसके द्विदंती के लिए हमने बताया था बिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे बिस, एथिलीन लीन डाई एमीन, एमीन लिख गया, क्योंकि द्विदंती है तो हमने इसके आगे क्या लगाया बिस, और इसको बड़े एक कोष्टक में बंद कर देते हैं, जो भी कोष्टक में चीज़ है वैसे अलग कोष्टक में पहले थी उनके नहीं बनते, द्विदंती लिगेंडों को इस प्रकार से बंद करते हैं, बिस एथिलीन डायमीन। इससे आपको ये पता चल जाता है कि एथिलीन डायमीन जो है वो द्विदंती लिगेंड है। अगर ट्रिस लगा होता, अगर आपका ट्रिस लगा होता यहाँ पर, तो इससे ये ज्ञात हो जाता है कि कोई त्रिदंती लिगेंड है, और अगर टेट्रा होता, टेट्रा किस होता, तो इससे ये पता चल जाता कि आपका कोई
चार दंती लिगेंड, और पेंटाकिस होता तो पांच दंती लिगेंड को बताता। बिस लगाया ये बताता है कोई दुई दंती लिगेंड लगाया, वो भी एथिलीन डाइअमीन है। आगे हम पहुंच जाते हैं डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइअमीन। अब आ जाता है इस बड़े कोष्टक में लिखे हुए का नाम प्लेटिनम। क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। ये हो गया आपका प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर निकला है चार, तो चार ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। अब ये क्या होता है? अगर अंदर होता तो सल्फेटो लिखते, अंदर होता तो सल्फेटो, बाहर है तो सल्फाइट, सल्फाइड लिख देते हैं। सल्फाइडों को हमने सल्फाइड कर दिया। अब ये बात हो गया आपके कैसे उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। हमने बता दिया ऋणात्मक लिगेंड हो तो एट जोड़ देंगे, याद रखेंगे। अगला आ जाता है द्वि केंद्रकीय। जब द्वि केंद्रक वाले हों उनका नामकरण कैसे करेंगे? सेतु हो तो नामकरण कैसे करेंगे? आप लिखेंगे अपने अगली हेडिंग नंबर चार, दो प्रकार के संकुलों का नामकरण, या बोलेंगे दो द्विकेंद्रकीय केंद्रीय संकुलों का नामकरण। ऐसे संकुल यौगिक जिसमें दो हों, कितने हों? दो लगे हों। देखिए आपको बताते हैं कैसे दो लगे होंगे। तो दो वाले इस प्रकार से होंगे, जैसे आप लिखाओ सी आर एन एच टू एन एच थ्री का होल सिक्स, और यहाँ बीच में कोई एडिंग ना हो। क्या कुछ एडिंग ना हो तो हम लिख सकते हैं सी ओ सी एन का होल सिक्स। ये दो एक पूरा ही संकुल यौगिक है, ये पूरा ही संकुल यौगिक है। अगर दूसरा हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं प्लेटिनम एन एच थ्री का होल सिक्स, और लिख सकते हैं एक प्रकार का भी हो सकती है केंद्रीय धातु सी एल का होल फोर। जो लिखा है द्वि केंद्रकीय संकुल यौगिकों का, यानी कि द्वि केंद्रक वाले हैं, इसमें धातुएं जो सेंट्रल मेटल आयन है यानी केंद्रीय धातु आयन, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम है, यहाँ देखिए सेम सेम एक जैसी भी हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, तो आप इनका भी नामकरण करना चाहेंगे। तो जब ऐसा एक जगह लिखा मिला होगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्या लिखें क्या ना लिखें। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए अलग अलग एक एक लाइन में लिखेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का हमने यक्स मान लिया और अमोनिया है जीरो, और छः लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी। यहाँ कोबाल्ट है, इसकी हमने निकाल लिया यक्स ऑक्सीडेशन नंबर माना, और साइनाइड है माइनस वन का, तो टोटल आएंगे छः। छः को हम दोनों पार डिवाइड कर देंगे, यानी कि तीन इसको दे देंगे और तीन इसकी यक्सिकर संख्या। बस ऐसी बिल्कुल देसी भाषा में याद रखिए, तभी आपको याद रहेगा। जितनी भी यहाँ टोटल में आएगी, चाहे जिसके पास हो, जितनी होगी टोटल, अगर यहाँ भी आपकी दो निकलती, दो यहाँ निकलती, या यहाँ पर निकलती आपकी तीन और इधर एक निकलती, तो हो जाती टोटल चार, तो दो दो बना देते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर निकला जाएगा, जितनी निकले। तो आप ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना? छः, तो इसके तीन हो गए और तीन इसके हो गए, बराबर का साझा है भाई। छः निकले हैं तो तीन इसके और तीन इस क्रोमियम के और कोबाल्ट के। ऐसे प्लेटिनम यहाँ यक्स है और यहाँ अमोनिया जीरो, और छः का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या जीरो लिखेंगे? नहीं, तो क्या करेंगे? इस प्लेटिनम का निकालेंगे एक्स, हो सकता है ये अदला बदली कर लें, अदला बदला भी कर लेते हैं भाई, ये इधर पलट कर जा सकता है प्लेटिनम, ये इधर, जैसे यहाँ कोबाल्ट इधर चला जाए या क्रोमियम इधर आ जाए, तो यानी कि बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तभी दो केंद्रक वाले संकुल यौगिक बनाए हैं। यहाँ माइनस वन इंटू चार, तो इक्वल में आ जाएंगे प्लस फोर, तो प्लस फोर है। अब ये गड़बड़ी हो गई कि यहाँ तो जीरो निकल रही, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस फोर को दो इसके हो गए और दो इसके हो गए। ये प्लेटिनम इधर जा सकता है और ये प्लेटिनम इधर जा सकता है,
ठीक है, इसी प्रकार से यह कोबाल्ट क्रोमियम के स्थान पर आ सकता है, क्रोमियम कोबाल्ट के स्थान पर अदला बदली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे क्रोमियम, नहीं सॉरी, पहले लिगेंड का नाम हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, और कितनी ऑक्सीडेशन नंबर है, पहले लिखेंगे क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर 3 लगा देंगे। ये तो इसका नाम हो गया हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड। अब यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा, अब यहाँ साइनाइड 6 लगे हैं तो लिखेंगे साइनो, हेक्सा साइनो। अब यहाँ पर क्या कोबाल्ट, कोबाल्ट का जब ये निगेटिव के लिगेंड लगे हुए हैं तो इसे लिखेंगे कोबाल्टेट, कोबाल्ट नहीं लिखेंगे और आगे खड़ा कर देंगे 3 लाइनें। ये ऊपर वाला इसका नाम लिखा हुआ है, नीचे वाला इसका नाम लिखा गया। इस प्रकार से आप दोनों लिखेंगे, एक लाइन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक लाइन में लिख सकते हैं। आगे हम इसके लिए लिखेंगे तो ऐसे ही प्लेटिनम है तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा एमीन, उदासीन लिगेंड है तो नाम नहीं चेंज होगा तो लिखेंगे प्लेटिनम, हेक्सा अमीन प्लेटिनम, और कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2। जैसे आपको लग रहा होगा कि एक के नीचे एक लिखा जाता है, ऐसा नहीं, अब हम इसके आगे ही लिखे देते हैं। फिर लिखेंगे टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो लिख दें, टेट्रा क्लोरो। अब यहाँ पर कितने प्लेटिनम, क्या है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम लिख देंगे आगे प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। हमने आपकी बिल्कुल जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन आएंगी उसको तुरंत ही एक्जोर कर लिया कि आपको कहाँ कहाँ पर परेशानी आ सकती। देखिए यहाँ प्लेटिनम लिखा गया, वहाँ प्लेटिनेट लिखा गया है, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक लिगेंड है और वहाँ धनात्मक लिगेंड है, तो ये प्लेटिनेट हो गया और बचा क्या आगे ऑक्सीडेशन नंबर 2। ये इस प्रकार से हम लिखते हैं, कैसे, जो दो प्रकार के संकुल यौगिक होते या द्वि केंद्रीय संकुल यौगिकों का नामकरण, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, ऐसा भी आ सकता है। और संकुल यौगिकों का नामकरण ना आए तो ऐसा कोई भी पेपर ही नहीं बनता है, ऐसा कोई भी पेपर तैयार नहीं किया जाता है। आगे ले जाते हैं, अब आगे आ जाएंगे। नंबर जो भी हो फिलहाल याद नहीं रहा, लिखेंगे सेतु बंधन, सेतु बंधन यानी के ब्रिज। ब्रिज सेतु मतलब होता है ब्रिज, उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण करेंगे, वो भी कैसे होंगे, ब्रिज वाले। पॉइंट की हेडिंग आपको याद रहेगी क्योंकि आप हमारे साथ चल रहे हैं और हमें याद नहीं रहा, अचानक वो डाल नहीं सकते हैं। तो हम देखिए उपसह संयोजन यौगिकों के ब्रिज के नाम लिखते हैं, ब्रिज के नाम लिखेंगे तो CONH2, CONO2, तो यहाँ पर कोबाल्ट, यानी कि इसके आगे पीछे हम जोड़ दें टेट्रामेनियम, यहाँ पर जोड़ दें NH3, और ये आपका ब्रिज में संकुल यौगिक लिखा पहला। दूसरा लिख दें यहीं पर क्योंकि आगे ही नाम लिखा था आपको, तो लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम से हम एक क्लोरो, यहाँ पर एक क्लोरो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लगाए, यहाँ पर एक जैसे लगाए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, NH3 का होल ट्वाइज, और यहाँ पर लिख दें आप NH3 का होल ट्वाइज। अब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे,
तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका तो जीरो हो जाता है, इसका भाई जीरो हो जाता है। तो एक अमोनिया से अमीन यहाँ बना हुआ, एक यहाँ, यानी कि कोबाल्ट के दो लिगेंड लगे हुए हैं के सेंट्रल मेटल आयन से, तो -1 -1 टोटल जब एड होगा तो +1 2 हो जाएगा, तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी +2। ऐसे इधर से देख लीजिए, अमोनिया जीरो हो गई और ये जीरो हो गई। कोबाल्ट के लिए नाइट्रेट पर एक -1 होता है, तो यहाँ पर भी एक -1 है, ठीक है। ये -1 हो गया, तो -1 कोबाल्ट को एक देंगे, एक कोबाल्ट को और -1 देंगे, तो माइनस के 2 बराबर के उस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, एक क्लोराइड ये माइनस का, एक क्लोराइड ये माइनस का, अमोनिया फ्री स्टेज में है, जीरो है, तो ये दोनों एड होंगे और धनात्मक हो जाएंगे, यानी कि बराबर इस तरफ जाएंगे। ऐसे लिखेंगे, पी टी को हम एक्स मानेंगे और ये -2 = 0, तो एक्स बराबर +2, कितना आएगा +2, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अब निकालते हैं इसका नाम, नाम लिखेंगे तो लिखेंगे टेट्रा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन के बाद में आपको लिखना होगा ब्रिज का नाम, तो ब्रिज में हम ब्रिज का नाम में जो भी होते हैं उसके आगे म्यू लगा देते हैं, म्यू एमीडो, म्यू एमीडो, क्योंकि ये एमाइड है, और म्यू नाइट्रो नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो, म्यू और लगाना होगा, सॉरी देखिए म्यू नाइट्राइटो, ये हो गया ब्रिज का नाम चल दिया, ठीक है। टेट्रा अमीन कोबाल्ट, सॉरी यहाँ पर कोबाल्ट को हमें पहले ही लिखना होगा, यहाँ पर कोबाल्ट को पहले ही लिखना होगा, क्योंकि कोबाल्ट बाद में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी यहीं खड़ा करेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 2, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। और इसका जब भी ब्रिज का, अब इसका नाम लिखेंगे, देखो टेट्रा अमीन ये लिख गया और कोबाल्ट भी लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर भी खड़ा कर दिया। आप पहले ब्रिज में हमेशा ऊपर वाले लिगेंड का पहले नाम नहीं लिखेंगे, तो यह सोच लेते हैं कि एल अल्फ़ाबेट में पहले कौन आ रहा, ये यन से लिखा जाएगा, ये ए से लिखा जाएगा, तो इस ब्रिज का ऊपर वाले का नाम लिखेंगे तो आगे म्यू जोड़ेंगे, म्यू एमीडो, फिर नीचे आ जाएंगे म्यू नाइट्राइटो, म्यू नाइट्राइटो, फिर क्या लिखेंगे आगे, टेट्रा अमीन, फिर लगा हुआ है टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन आ गया, टेट्रा अमीन, और क्या कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का बराबर है, इक्वल है, तो सेकेंड। अब देखिए इतना बड़ा नाम लिखा जाएगा, टेट्रा अमीन कोबाल्ट म्यू एमाइडो म्यू नाइट्राइटो, और उसके आगे टेट्रा अमीन कोबाल्ट सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेंट्रल मेटल आयन का लिखेंगे। इसी प्रकार से इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे डाई अमीन, क्या लिखेंगे डाई अमीन, डाई अमीन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लेटिनम, 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 उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर खड़ा कर देंगे। अब एक क्लोरो यहाँ, एक क्लोरो यहाँ, दोनों जगह पर क्लोरो क्लोरो हैं, तो लिखेंगे म्यू कामा म्यू, म्यू कामा म्यू डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, क्योंकि एक जैसे हैं तो म्यू कामा म्यू डाई क्लोरो लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम डाई एमीन, और फिर कौन जुड़ा है, किससे जुड़ा है डाई एमीन, प्लेटिनम से, एक बार यहाँ प्लेटिनम, ये इसके लिए है और ये इसके लिए होगी, प्लेटिनम। अब आप कोई भी संकुल यौगिकों का नामकरण आसान से कर देते हैं, और आप करके देखिए, आपके पास जितने भी नोट्स, कोई भी हो, कोई भी बुक हो, किसी में
संकुल यौगिक दिए गए होंगे, नाम बिल्कुल गलत नहीं होगा, बस जो नियम हमने बताए उनको फॉलो करेंगे। इसी नियम के अकॉर्डिंग किसी भी संकुल यौगिक का आप निकल नाम लिख सकते हैं। अब हम आपसे चलते चलते ये कहना चाहते हैं कि यदि हमारा वीडियो आपको वाकई पसंद आता है, इतना व्यूज़ देते हैं, तो उसके हिसाब से आपको लाइक उतने भी करने चाहिए। वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में बताएं। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को बताएं। अगर वो IUPAC का नामकरण करना नहीं सीख सकते हैं, इससे अच्छा बेटर प्लेटफॉर्म वाईफाई सक्सेस क्लासेस से अच्छा नहीं हो सकता है। सभी सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये चैप्टर आपका ये कहें बुक ही समाप्त होने वाली है। आएंगे नए टॉपिक में जब हमारी स्टार्ट होगी हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, फिर हम आपको बताएंगे रिएक्शनें कैसे होती हैं। पिछले वीडियो भी पढ़े हुए हैं, लेकिन उनमें वीडियो में आपको इतना नहीं समझ में आया, हो सकता है कि जब भी जैसे जल्दी से पहली से पहली तारीख को हम लाइव आने का प्रयास करेंगे आपके सामने, कि लाइव आए, आपको फेस टू फेस अब पढ़ाया जाए। आप फेस टू फेस आप पढ़ेंगे और हमसे बातें भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।